तो दोस्तों, मैं आपको आज की इस वीडियो में तुम्हें जो मिस्टेक बताने वाला हूँ उन्हें देखने के बाद आपको यकीन नहीं होगा कि ये मिस्टेक तारक मेहता का उल्टा चश्मा भी हो सकती है। तो आपको ज्यादा ना बोलते हुए मैं आपको बताता हूँ कौन सी है वो मिस्टेक। ने तो मेरे को ये समझ में नहीं आया कि आजकल सोखे मेकर हमें कॉमेडी के नाम पर क्या दिखाना चाहते हैं। मतलब जब भीड़े गोली को और सकाराम को ढूंढता है तो उसे गोली से ज्यादा अपने स्कूटर यानी कि सकाराम की चिंता होती है। मतलब सोखे मेकर क्या मैसेज देना चाहते हैं? और जब कोई भी स्कूटर बोलता है तो हमारा भीड़े बीच में उतर जाता है और बोलता है स्कूटर मत बोलो सकाराम बोलो। मतलब क्या मैसेज देना चाहते हैं? कॉमेडी के नाम पर क्या घुसेड़ते हैं सोखे मेकर? हर बार की तरह जिस बार भी हमें जेठालाल का एक ही डायलॉग देखने का मिला, जब सोसाइटी में चालू पांडे आते हैं उसका जो है वो डायलॉग एक ही है जो कि बदलता ही नहीं है। जब भी चालू पांडे सोसाइटी में आते हैं वो जेठालाल से बात करते हैं, जेठालाल उनका नाम सही से लेता ही नहीं है, उसी का एक ही डायलॉग होता है चालू जी पांडे जी। मतलब एक ही डायलॉग को कितनी बार जब बताओगे उससे कितनी बार हंसाओगे? अब यहाँ पर भीड़े पोपटलाल सोनू टप्पू सेना और हाथी भाई और सोटी जो है सखाराम को ढूंढने के लिए, सखाराम और गोली को ढूंढने के लिए बाहर निकलते हैं। लेकिन उन्हें सखाराम तो मिल जाता है पर उसका एक कांच टूटा होता है, जिसे देखने के बाद हमारे सोटी भाई उनके दोस्त को फोन लगाकर कुछ यूं बोलते हैं, मैं तेरे मोबाइल पे लोकेशन भेज रहा हूँ, वहाँ पे ना पुलु का स्कूटर खड़ा है। तो यहाँ पर सोटी भाई फोन रखने के बाद उसके दोस्त को लोकेशन भेजने की बजाय फोन जेब में रख लेते हैं। मतलब क्या लॉजिक लगाया उन्होंने, बोला कि लोकेशन भेज रहा हूँ लेकिन वो लोकेशन भेजते ही नहीं है, वो जेब में रख लेते हैं फोन। अब यहाँ पर उसकी यूं भी नहीं बोल सकते कि उसके बाद उन्होंने लोकेशन भेज दी होगी, क्योंकि उसके बाद तो वो अपनी जीप चलाते हैं ना, तो वो लोकेशन कैसे भेजेंगे? और बिना लोकेशन का उनका दोस्त भी वहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर सोसाइटी वाले गोली की कंप्लेंट लिखाने के लिए पुलिस स्टेशन आ जाते हैं। मतलब भाई अभी गोली को गुम हुए ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ था और कंप्लेंट गुम हो जाने की वो तो 24 घंटे बाद लिखाई जाती है, लेकिन इन्होंने कोई ये वो कुछ सोचा ही नहीं और वो गोली की कंप्लेंट लिखाने आ गए। और वो चालू पांडे ने भी गोली की कंप्लेंट लिखी और यूं भी नहीं बोला कि 24 घंटे बाद लिखी जाती है। मतलब भैया क्या लॉजिक लगाया था? अब यहाँ पर गोली मिल जाता है तो सोसाइटी वाले सब नाश्ता जो है करते हैं, जिसके लिए पूरी स्टोरी चल रही थी। लेकिन पहले ये बोलते हैं चालू पांडे को कि नाश्ता कर लीजिए, तो भैया वो हाँ कर लेते, पहले तो मना करते लेकिन फिर हाँ कर लेते, फिर भी वो नाश्ता करने आ जाते। तो भैया मेरे को वो बात याद आ रही जब चालू पांडे को कुछ सोसाइटी वाले बोलते थे तो पहले मना करते थे कि नहीं भैया मैं तो ड्रेस में हूँ, मैं ऑन ड्यूटी हूँ, मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा, पानी नहीं पीता था, जो कि वो मतलब नाश्ता करके जा रहा है। मतलब और भाई यहाँ पर मतलब पार्टी चालू होने के पहले जो है इतने गिलास थे पानी के और पार्टी खत्म होने के बाद भी इतने गिलास रहते हैं। मतलब दोस्तों यही थी वो कुछ मिस्टेक इस स्टोरी की जो मैंने नोटिस करी। अगर आपने और कोई सी मिस्टेक नोटिस करी तो नीचे कमेंट में बताना, और आपको नया वाला गोली पसंद आया या नहीं वो भी नीचे कमेंट में बताना। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। हम आपके लिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा से रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं। धन्यवाद।